नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। 22 मार्च को तीन निर्दलीय विधायक भाजपा की सदस्यता लेने से पहले अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं, अचानक विधायक पद छोड़ देते हैं। हालांकि ये वही लोग हैं, इनमें से होशियार सिंह जी भी भाजपा से टिकट मांगते थे लेकिन उन्हें नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा। वहीं केएल ठाकुर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वहां से पूर्व विधायक भी रहे, उनका टिकट भी कटा तो उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा। वहीं आशीष शर्मा की बात करें तो आशीष शर्मा पहले भाजपा से टिकट मांगते थे लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के विरोध के चलते उनको टिकट नहीं मिला और फिर उन्होंने कांग्रेस से टिकट की कोशिश की, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं वहां के, तो टिकट उनका हो जाता है और वो कांग्रेस के टिकट और निर्दलीय दोनों तौर पे नामांकन पत्र दाखिल कर देते हैं। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर जिला है, वो दिल्ली से उनका टिकट कटवा देते हैं और वो फिर निर्दलीय तौर पे जीत कराते हैं। तीनों ने अच्छे मतों से जीत हासिल की है लेकिन अचानक इन्होंने इतनी मशक्कत से इन्होंने ये चुनाव लड़े और अचानक इन्होंने एक मिनट में आखिर ना जाने किस दबाव में किस, हालांकि इन्होंने कहा है इस्तीफे जो दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि हमने किसी दबाव में नहीं दिए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत आई है इनके इनके इस्तीफों को लेकर कि इन लोगों के इस्तीफों के पीछे कोई ना कोई दबाव की राजनीति है, कोई ना कोई अवश्य एक गहरा राज है, उसका खुलासा जनता के बीच होना चाहिए और उसकी जांच करने के बाद ही इनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं। आज पांचवा दिन है इनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं, जबकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे भी उपचुनाव, जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा चुनावों के साथ, हमारे उपचुनाव भी हों और भाजपा ने इनके साथ टिकट की कमिटमेंट की है, इलेक्शन लड़वाने की कमिटमेंट की है, सारी कमिटमेंट इनके साथ की है। लेकिन इन तीनों हलकों की जनता अपने इन प्रतिनिधियों को लेके अब अविश्वास की नजर से देख रही है कि आखिर अब हमने इनको जिताया, बतौर विधायक ये काम करते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस्तीफे दे दिए। या तो हो सकता है कि भाजपा के किसी बड़े प्लान में शामिल हो, भाजपा संख्या बल में भी चाहती है कि निर्दलीय के तौर पे कहीं ना कहीं ये विधक भी सकते थे, तो आखिर क्यों इन्होंने इस्तीफे दिया, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्यार सिंह जी हैं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, विजेंद्र मेहरा जी हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो इस्तीफों का कल्चर है विजेंद्र जी, मैं आपसे थोड़ा सा लूंगा, एक न्यूट्रल सी राय भी आएगी आपकी, क्योंकि ये जो इस्तीफों का कल्चर चला है और इन्होंने इस्तीफे अचानक दिए और जनता ने इनको अच्छे मैंडेट से जिताया तीनों के तीनों लोगों को, आखिर क्या वजह रही होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा दबाव है, शिकायतें भी स्पीकर के पास पहुंची। जी विजेंद्र जी। जी राजीव जी, एक अच्छा विषय आपने चुना है और जैसा कि आपने चर्चा जो है इनिशिएट की है, नवंबर 2022 में जब हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे तो उस वक्त की जो सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जनता ने उसको हराने का काम किया और उसके विकल्प के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को चुना, एक क्लियर मैंडेट दिया था, स्पष्ट एक जनादेश दिया था। उससे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के काम से खुश नहीं थी और इसीलिए उसको हटाकर जो है कांग्रेस को जनता ने चुनकर जो है सत्ता में लाया। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और हम अपनी पार्टी की ओर से लगातार इस विषय को कहते रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरा मंडरा रहा है, जिस तरीके की तानाशाही परंपराएं कायम हो रही हैं, तानाशाही सिर्फ इस रूप में नहीं हो सकती है कि एक समय में 1970 के दौर में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने सरेआम लगा दी, स्पष्ट तौर पे लगा दी, लोगों को दिख रहा था और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंग हैं उनको सस्पेंड कर दिया, उनको हाशिए पे धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अनुभव सीखा है देश के अंदर कि तानाशाही भी करो, लोकतंत्र को भी हाशिए पर धकेलो, लेकिन एक तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से। और वो इस रूप में हो रहा है कि हमारे देश के अंदर जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो दूसरी भी संस्थाएं हैं, उनके जरिए विपक्ष के ऊपर या जो विपक्षी पार्टियों की जहां सत्ता भी है
उनके ऊपर जो एक शिकंजा कसने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र की सरकार और उसकी जो विचारधारा आरएसएस की वो कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ये उदाहरण देखने में आ रहा, जो सारा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उसका ही प्रतिबिंबन हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। हिमाचल में जब कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, जब लोगों ने उसको एक क्लियर मैंडेट दे दिया था, तो एक लोकतंत्र की मूल भावना क्या है कि जिसको चुना जाता है वो सरकार चलाएगा और जिसको दरकिनार किया जाता है वो विपक्ष की अच्छी भूमिका अदा करेगा और एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है एक सृजनात्मक भूमिका अदा करेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले ही दिन से जो है कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए करती रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर इन सारी चीजों को, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट का मसला छेड़ा है, इंडिपेंडेंट का मसला भी किसी भी तरीके से आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है। जब ये राज्यसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें जो खरीद फरोख्त हुई, मैंने पिछले एक आपके अन्य शो में भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो चुनावी बॉन्ड का जो धंधा पूरे देश के अंदर चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उसके छींटे पड़े हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के अंदर कभी ऐसी परंपराएं नहीं थी, ऐसी कोई इतिहास नहीं है हिमाचल के अंदर कि जहां पर जो है चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिशें की जाए। हिमाचल के अंदर तो एक बड़ी स्पष्ट एक प्रतिस्पर्धा पक्ष और विपक्ष के अंदर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पुराने और जो मुख्यमंत्री भी रहे शांता कुमार जी, उन्होंने जो अपनी कुंठा व्यक्त की है, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तो रो पड़ूंगा इस सारे विषय पर बातचीत करने के लिए। अब देखिए, जो मैंने चुनावी बॉन्ड का जो इश्यू उठाया, ये चुनावी बॉन्ड का जो पैसा हिमाचल में भी इकट्ठा किया, ये रितबी कंपनी के माध्यम से, क्योंकि सुन्नी हाइड्रो का जिक्र आया, मैंने उस वक्त जिक्र किया था, सुन्नी हाइड्रो से पहले रितबी कंपनी कहाँ आई थी? वो आई थी धौलासिद्ध में, हमीरपुर में। और आप पूरे घटनाक्रम को देखिए, जितने 9 MLA हैं, इनमें 9 में से 7 MLA कहाँ है? वो चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो इंडिपेंडेंट है, वो है सुजानपुर, वो है हमीरपुर, वो है आपका बड़सर, वो है कुटलैहड़, वो है आपका गगरेट, वो है उसके नजदीक देहरा का इलाका, धर्मशाला का इलाका। ये जो रितवी कंपनी है जो इसने चुनावी बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा किया दिया, ऐसे ही पूंजीपतियों के माध्यम से सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई है। ये धौलासिद्ध का प्रोजेक्ट भी आपको पता है नदौन और सुजानपुर के इलाके के इर्द गिर्द हमीरपुर जिला में है। तो पूरा पैसे का एक खेल चल रहा है। लेकिन इंडिपेंडेंट जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम जनसेवा करने के लिए आए थे और हमें जनसेवा करने नहीं दी, दिक्कतें खड़ी की, आप बताइए इंडिपेंडेंट जो जीते थे वो किसके खिलाफ जीते थे? भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हराया था ना लोगों ने। तो इंडिपेंडेंट का जीतने का मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों को दरकिनार करके इनको मत दिया था। अब ये जिस तरीके से रिजाइन कर रहे हैं, हालांकि वो पेंडिंग है माननीय स्पीकर के पास, लेकिन आप मान के चलिए 2 करोड़ रुपया खर्चा आता है 1 MLA के इलेक्शन में, जो सीधा इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करता है वो 2 करोड़ रुपए के करीब है, जो निर्वाचन आयोग जो सीधा खर्चा करता है। अब उसके साथ जो कितने विभाग एसोसिएटेड होते हैं, जो काम में लगे होते हैं, अगर उनकी भूमिका को मिला लिया जाए तो ये 2 करोड़ नहीं, ये डबल का आंकड़ा है। अगर आप जनसेवा करने आए थे तो प्रदेश के कोष से या निर्वाचन आयोग का इतना पैसा या दूसरे विभागों का इतना पैसा आप द्वारा खर्च करवा के, जो हिमाचल इतने संकट में है, आपदा यहाँ आई, पहले ही हिमाचल प्रदेश काफी संकट में है, काफी लोन जो लेना पड़ रहा है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे समय में इंडिपेंडेंट का ये तर्क देना कि हम जनसेवा के लिए आए थे, हमें काम नहीं करने दिया इसलिए हमने रिजाइन कर दिया, ये पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक गेम प्लान है। दो तरह की बातें हैं। इन 3 इंडिपेंडेंट को देखिए आप, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा बात को। ये तीनों इंडिपेंडेंट कौन है? ये कारोबारी है, केएल ठाकुर कारोबारी है, आशीष शर्मा कारोबारी है, होशियार सिंह कारोबारी है। ये कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए या इनका जो कारोबार चल रहा है उसमें जो कमियां हैं या उसमें जो इन्होंने लीपापोती की होगी या उसमें जो दिक्कतें हैं या उसके अंदर जो घपलेबाजी रही होगी उसको समेटने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। ये इनका इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं हो सकता है। कोई ठोस कारण दे पाए क्या ये रिजाइन का? अगर ठोस कारण दे पाए होते तो अभी तक स्पीकर ने इनके रिजाइन जो है, इनके त्याग पत्र एक्सेप्ट नहीं कर लिए होते क्या? लेकिन इनके पास कोई ठोस कारण नहीं है। ठोस कारण सिर्फ ये है, ये कारोबारी है, ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में है, शायद ये ईडी से भी डर रहे हैं। आपको मालूम है कुछ जो कांग्रेस के MLA जो गए हैं जिन्होंने एंटी वोट किया, उनमें से भी आपको मालूम है कि उनके ऊपर जो है ईडी की तलवार लटक रही है कि दूसरे प्रदेशों में जहां इनके परिवार के लोग जो है काम करते थे या इनका कारोबार धंधा था या NGOs जो चला रहे हैं उसमें किस तरीके का पूरा दावपेच ये चला रहे हैं, वो सारा जो है केंद्र सरकार के नजर में है, भारतीय जनता पार्टी की नजर में है। इसलिए इंडिपेंडेंट
ये जितने एमएलए हैं सारे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, इनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट भी हैं, ये ईडी और सीबीआई के रडार पर भी हैं, इनमें डर का माहौल भी है, भारतीय जनता पार्टी इनसे रिजाइन करवा के दोबारा से चुनाव करना चाहती है, तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दोबारा से चुनकर क्या आकर जो है ये क्या करना है। और आप मान के चलिए इनको भी ये पता है कि ये हार भी सकते हैं ये चुनाव में, ये भी इनको श्योरिटी नहीं है कि जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनको रुपया पैसा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अन्य माध्यम से जो इकट्ठा किया वो दिया, या जो ये कारोबार धंधा चला रहे हैं जिसमें घपलेबाजी है, जिस पर जो है सबकी नजर है और जहां इन पर कार्रवाई हो सकती है, जिसके डर से भी ये काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएट होकर जो है इस सारे घटनाक्रम को जो है वो जन्म दे रहे हैं। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि सारे घटना का केंद्र बिंदु हमीरपुर और इसके इर्द गिर्द का इलाका है, और वहां पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड में, चुनावी बॉन्ड में जो हिमाचल प्रदेश का 45 करोड़ रुपए का जो जिक्र आया है ऋत्वी कंपनी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी है बीरमेश और उनकी कंपनी है ऋत्वी कंपनी, सुन्नी का जो जिक्र आया, सुन्नी से पहले तो वो धदौला सिद्ध में आए थे, सुजानपुर और नदौन के इलाके में, हमीरपुर के इलाके में प्रोजेक्ट बनाने, और वहीं से ये सारा सरकार को डिस्टेबलाइज करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जी प्यार सिंह जी, बड़ा एक जो पर्दा है वो फाश किया है विजेंद्र जी ने, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा भी कहीं ना कहीं निर्दलियों के इस्तीफों का कारण बन सकता है, वहीं ये तीनों के तीनों कारोबारी हैं, ईडी का डर क्योंकि किसी के क्रेशर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई उद्योगपति है, तो जाहिर है कि किसी ना किसी दबाव में, जिस दबाव की एक शिकायत स्पीकर के पास पहुंची है कि दबाव में आकर इन्होंने किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़े दबाव के तहत इनसे ये चीजें करवा रही है? जी प्यार जी, डॉक्टर साहब मैं विषय पर पहले आऊंगा, भाई मेहरा जी की प्रश्न का जवाब भी मैं दूंगा। आज का विषय आपने रखा है अच्छा विषय है, वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक है कि इन बागियों को पार्टी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी और इनके इस्तीफे क्यों नहीं स्वीकार हो रहे हैं या फिर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। प्रश्न निश्चित तौर पर गंभीर है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी या साथी पार्टियां, इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो विचार करें कि इससे पूर्व भी माननीय जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में निर्दलीय विधायक रहे हैं और उन्होंने पूरे 5 वर्ष सरकार का साथ दिया, चाहे सरकार के सहयोग से अपने चुनाव क्षेत्र का विकास किया, मगर आज ये क्या कारण है कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे मतदान की स्वतंत्रता, अगर राज्यसभा में अपना मत रहता विधायकों का, माननीय विधायकों ने अगर मत दे ही दिया, और पार्टियों का उत्पीड़न तो अलग बात है, मगर निर्दलियों को भी यह सरकार जीने नहीं दे रही है, उनके ऊपर FIR हो जाती है, उनके काम रोक दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के परिवार के काम चल रहे होते हैं, तो उन्हें सोचना पड़ गया और उन्होंने एक विचार को खत्म करने का काम किया है, जो इंडिपेंडेंट नाम के जो लोग जो हिम्मत करते थे उनको दमन करने का जो सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है यही कारण है, केवल एकमात्र कारण है कि उनके चुनाव क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ और उनके ऊपर जो FIR करके जो उनके ऊपर दमन करने का कार्यक्रम शुरू किया, तो उससे वो निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में आए और उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करना उचित समझा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक भाई विजेंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कांग्रेस का पक्ष रखने की कोशिश की, मुझे लगता है इन जैसे विवेकशील व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं थी। वो ठीक है, चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, चुनावी बॉन्ड क्या केवल एक ही पार्टी को मिला है? मतों के हिसाब से देखें आप तो भारतीय जनता पार्टी को अगर उसके एवरेज में कम ही मिला है, मगर ठीक है, इनकी बातें अपनी बात रख सकते हैं। और किसी कंपनी को छिलके जो हिमाचल पे पड़े हैं चुनावी बॉन्ड के, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट का जिक्र किया और जिस कंपनी ने लिया उसने प्रोजेक्ट लिए हैं आपके 2 हिमाचल प्रदेश में और पैसे दिए हैं, 45 करोड़ की राशि दी है चुनावी बॉन्ड में, कहीं ना कहीं इस पे अलग से चर्चा भी एक बड़ी बात है। इन्होंने कुछ विश्लेषण किया है और इस पे अलग से चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका भी जवाब देंगे, मगर आज के विषय की जो बात कर रहा हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 करोड़ से ज्यादा के काम एक विधानसभा में माननीय विधायक ने कहा है पिछले 5 वर्षों में इंडिपेंडेंट रहते हुए, और पिछले 15 महीने में जो दुर्गति इस प्रदेश की हुई, जो उम्मीद थी जनता को, जनता के पास क्या मुंह लेके जाए कोई विधायक, चाहे कांग्रेस पार्टी का है चाहे इंडिपेंडेंट, जब उसके काम ही ना हो रहे हो पूरी तरह। होशियार सिंह जी के वहां तो वो 300 करोड़ के तो जू का शिलान्यास हो गया, अगर वो सपाटे में नहीं रहते तो वो भी वो मुख्यमंत्री के साथ
इसका शिलान्यास करते, एक ही काम इतना बड़ा हो गया उनके विधानसभा क्षेत्र में। तो वो जो केवल घोषणा मात्र है, अभी जब बनेगा तब की बात करेंगे। ये वैसा बनने को तो समय लगता है प्यार जी, चीजों को बनने को समय लगेगा। जैसा डॉक्टर साहब 1,00,000 नौकरियों की बात हुई थी, जैसा 300 यूनिट बिजली देने की बात हुई थी, या महिलाओं को 1,500 देने की बात, घोषणाएं ही हो रही हैं। जमीन पे सरकार कुछ नहीं कर पाई है, विफल हुई है, और अब जिस तरह से दमन कर रही है तो उससे लगता है कि पूरी तरह से तानाशाही रवैया सरकार ने धारण कर लिया, जिसके डर के कारण मुझे लगता है कि माननीय विधायकों ने पार्टी को ज्वाइन करना उचित समझा, रेदर देन कि वो इंडिपेंडेंट रहते। तो ये विचार को खत्म करने का जो काम सरकार किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। निर्दलीय विधायक रह के भी उनको क्या दिक्कत आनी थी? अगर वो निर्दलीय विधायक रहते, एक उपचुनाव में झोंक दिया उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों को, सरकार पे भी खर्चा खड़ा कर दिया। ये चुनावों में खर्चा बहुत होता है। नहीं नहीं वो ठीक है, होता है डॉक्टर साहब, पर पिछले 20-25 दिनों हम सभी ने देखा है कि अगर मतदान किसी राज्यसभा के व्यक्ति के पक्ष में कर दिया, उसके बाद FIR हो जाती है। उनके FIR आशीष शर्मा के ऊपर धन बल का जो प्रयोग किया गया है, आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के ऊपर, और वो दो विधायकों ने कराई है, कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट उनके हाथ लगे हैं तभी FIR हुई है, नहीं तो FIR क्योंकि, और अभी तक वो जांच में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने जमानत दी है इस शर्त के साथ कि वो जांच का में पूरा सहयोग करेंगे, अभी तक जांच से बच रहे हैं। नहीं वो व्यक्तिगत मामला उनका हो सकता है, जहां तक बात ये स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस सरकार ने दमन की नीति अपनाई हुई है। वो किसी भी प्रेशर में, चाहे उनके डंगे लगवा रहे हैं, घरों के आगे रास्ते बंद कर दे रहे हैं, ये कौन सी परंपरा है? किस तरफ को इस प्रदेश को ले जाना चाहती है सरकार? इससे पूर्व कभी नहीं हुआ है। मत अपना हो सकता है, मगर इस तरह से मत का दमन करना और डरा के रखना, ये कहां की मानसिकता है? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, जो इन्होंने किया है, क्या ये स्वस्थ है, क्या ये ठीक है, ये चिंतनीय विषय है। जी संदीप जी, दमन हो रहा था इन निर्दलियों का भी, और इसलिए निर्दलियों ने भाजपा को चुनना मुनासिब समझा, और आपके स्पीकर साहब इस्तीफों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज 5वां दिन है और वो इंतजार कर रहे हैं लगातार, ताकि इसकी भी नोटिफिकेशन हो, चुनाव की पहले सीट खाली करने की स्पीकर साहब करेंगे नोटिफिकेशन, जब चुनावियों को जाएगी तब आगे का मसौदा तैयार होगा कि चुनाव की स्थिति को होने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत तंग थे, या इसके पीछे जिस तरह से मेहरा जी ने कुछ राज जाहिर किए हैं इनके भाजपा में शामिल होने के, या किसी बड़े गेम प्लान में शामिल हैं ये लोग तीनों निर्दल? जी सांख्यान जी, डॉक्टर साहब विजेंद्र मेहरा जी ने जो बातें रखी वो मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि आपने जो विधानसभा अध्यक्ष की बात की, तो विधानसभा अध्यक्ष एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है, और जिन विधायकों ने रिजाइन किया है उनके खिलाफ शिकायत भी गई है, और अब द मैटर इज इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ही पता लगेगा। मैं आपको एक केस पे ले जाना चाहता हूँ। माननीय सोमनाथ चटर्जी जो थे वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे, और ऑपरेशन दुर्योधन हुआ था, और उसमें कुछ सांसदों ने पैसे खाने की बात की थी, पर मतलब लोकसभा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए पैसे लेते थे वो लोग, तो वो आज भी उनकी जो सस्पेंशन थी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है, उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो सारे के सारे आज इस देश के अंदर सबके सामने हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं इनको कहता हूँ कि अगर आपको इतना प्रेशर सरकार के ऊपर लगता है तो आपके 25 विधायक और हैं, आप उनसे भी रिजाइन करा दीजिए। अगर तानाशाही आपको कांग्रेस के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर लग रही है, बजाय आप इन चीजों को डिफेंड करते हैं करने के, आप उनसे 25 से भी रिजाइन करा देते। अब ये जो 3 विधायक जिन्होंने रिजाइन किया है, इट इज 100% श्योर, और जो ऋत्विक कंपनी का नाम इन्होंने लिया, इलेक्ट्रॉनिक फोन का नाम विजेंद्र मेहरा जी ने लिया, ये बड़ा साफ संकेत है, या तो इनके ऊपर ईडी या सीबीआई की तलवार लटकी हुई है, या फिर ये लोग जो समझते हैं कि हम रिजाइन करा देंगे। और मैं आप दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी सुन लें, पहले हम 40 थे, अब हम 43 होके आएंगे, अगर बाय इलेक्शन होता है तो, ये सुन लीजिए, क्योंकि लोगों की जो संवेदनशीलता है वो इस समय, हिमाचल प्रदेश का लोग जो है वो अनरेस्ट नहीं चाहता, और पॉलिटिकल अनरेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। आप देख लीजिए, जितने 1971-72 से लेके आज तक जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं,
पॉलिटिकल अनरेस्ट की कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है हिमाचल प्रदेश के लोगों में। हिमाचल प्रदेश की जनता है वो भोली वाली जनता है और उसके हिसाब से ही वो अपनी चीजों को आगे लेकर चलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरोकार है वो क्या करते हैं, सरकारें इनकी मर्जी से बने तो ठीक है, नहीं बने तो इसको धन बल छल बल से बाहुबल से हथिया लेंगे, अगर नहीं होगा तो इनको वो ले। मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, कांग्रेस के छह विधायक जो थे वो सस्पेंड किए, और सस्पेंड जो किए गए वो इसलिए किए गए कि उनके खिलाफ जो फाइनेंशियल बिल था उसके लिए व्हिप जारी किया था, एंड व्हिप इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी को लेने के बावजूद भी उनको उन्होंने उसका पालन नहीं किया तो डेफिनेटली ये बनता था। और इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आदेश था तो उसको मानना चाहिए था, उसको ऑबे करना चाहिए था, इन्होंने उसको डिसऑबे किया और स्पीकर साहब माननीय स्पीकर साहब ने उसका फैसला लिया। और अब ये जो तीन विधायक थे इनकी क्या मजबूरी थी कि ये क्यों उड़न खटोले में उगते रहे? अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी, अगर इनका आपस में कोई छह विधायकों से सांठ गांठ थी तो ये कर सकते थे कि ठीक है जी, इन्होंने अपना राज्यसभा का सांसद जिता लिया और ये कह सकते थे कि आप नहीं, फाइनेंशियल वीक में आपकी गवर्नमेंट ने आपको व्हिप जारी हुआ है तो आप यू शुड बी वोट देयर, तो लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जो तीन विधायक इनके साथ में जो फाइव स्टार की मौज मस्ती करते रहे और इतने दिन प्रोटेक्शन में रहे और इतने दिन वहां पे लेके भाई है घूमते रहे, इनकी क्या मजबूरी है? डेफिनेटली डॉक्टर साहब ये सारे के सारे कारोबारी थे और इनके सारे के सारे जो धंधे हैं, जो काले धंधे हैं, वो सरकार की नजरों में है और वो जो नजरों में है वो सारे की सारी प्रक्रिया को देखते हुए इन लोगों के पास विकल्प कोई नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात साफ होती तो माननीय हुशियार सिंह जी ने पहले टिकट मांगा था, शाम को जयराम जी के पास जाते हैं कि जी मेरे को टिकट दे दो, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, आपको याद हो गए ये 1.5 साल पहले की बात है। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी इनको ज्वाइन करा लेते हैं, और उसके बावजूद क्या किया था इन्होंने, अगले दिन जी मैं तो इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहूंगा। आशीष शर्मा जी है ठीक है, मैं मानता हूं उनके उनके जो ससुर साहब है वो कांग्रेस के आदमी है, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए काफी टाइम पे अप्लाई किया था कि मेरे को टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। अगर चाहते हैं तो चैतन्य शर्मा के भी वहां पे डोरे डालते रहे कि कहीं ना कहीं से हमारे को टिकट मिल जाए, कांग्रेस दे दे भाजपा दे दे, ठीक है कांग्रेस ने ये गलती कर दी और कांग्रेस को उस गलती का जो खमियाजा है वो भुगतना भी पड़ गया कि चैतन्य शर्मा जी ने क्या गुल खिलाए हैं। और रही बात राजेंद्र राणा जी की, तो राजेंद्र अब केएल ठाकुर थे, केएल ठाकुर का भी देखेंगे, केएल ठाकुर वही थे जिन्होंने मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का निरादर भी किया, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भी रहे, इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा। अरे कौन सी मर्यादा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, मुझे बता दीजिए आज कि ये जो बोल रहे हैं कि सारी की सारी चीजें सामने आ रही, ये कुछ नहीं है, ये सारा पॉलिटिकल धंधा है, ये कोई समाज सेवा नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों को भ्रमित कर रही है, ये सिर्फ पैसा लाओ धंधा चलाओ, पैसा कमाओ धंधा चलाओ, ये समाज सेवा के नाम पे एक बहुत बड़ा प्रपंच रच रही है भारतीय जनता पार्टी, कभी धर्म के नाम पे, कभी पैसे के नाम पे, कभी धंधे के नाम पे, कभी ठेकेदारियों के नाम पे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जितने भी यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन खोले हैं उनके अंदर जो नौकरियां दी जा रही हैं वो ऊपर ये अनुराग ठाकुर, माननीय अनुराग ठाकुर जी के चीट लेके आते हैं या माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के चीट लेते हैं। मैं एम्स की बात कर रहा हूँ, यही प्रोसीजर जो है इनके, और भी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है वहां पे भी यही चल रहे हैं। आप मंडी के अंदर देखिए, मंडी के अंदर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खुली है, मैं वहां का छात्र रहा हूँ और वहां पे किसी सरकार ने कैसी नौकरियां दी है, अरे पैसे ही है लोगों ने वहां पे नौकरियां देने के लिए, इन्होंने उनकी जो डिग्रियां है ना उनको, उनके अंदर जो इनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, जो मेरिट थी उसको दरकिनार किया इन लोगों ने, तब इन्होंने नौकरियां दी और वहां पे कोई ऐसी एनजीओ टाइप में बनाई और उसके अंदर उसके थ्रू ये पैसा इकट्ठा किया। ये इलेक्ट्रॉनल बॉम्ब की बात कह रहा है, ये 100% सही है, ये बिल्कुल ये राजनीति को धंधा बना के बैठे हैं। आज भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस जो है वो 60 साल से सत्ता में रही, अरे आप तो 10 साल सत्ता में हो, आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया बताएंगे लोग। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो चुका है, इन छह विधायकों ने यही धंधा किया है और इसी दबाव के अंदर आते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे दे, हमारे सुधीर शर्मा जी थे वो बोलते थे कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हो गया ना पार्लियामेंट का टिकट कांग्रेस डिसाइड। अब बताते हैं आप अगर इन 9 आदमी को भारतीय जनता पार्टी देख ले, अब देखिए वहां पे विधानसभा क्षेत्रों में क्या हो रहा है, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए लोग थे या वहां के 85 भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहां पे, अब बताइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट है कि नहीं है। अब देखिए आने वाला जो चुनाव है वो सारी की सारी चीजें जो है वो तय करेगा, ये कथनी और करनी का फर्क है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। जी 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 जी
जी महाराज जी, एक तो ये जो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट भी किसी बड़े प्लान में शामिल हो गए हैं, हालांकि संख्या बल में इतना नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है जो दिखता है, लेकिन कोई ना कोई प्लान जो है, या इनका डर खौफ जो आपने बताया ईडी और अन्य एजेंसियों को, क्योंकि कारोबारी हैं, धंधे वाले लोग हैं और बड़े धंधे हैं इनके कहीं ना कहीं, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ये अभी तक कंफर्टेबल चल रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने राज्यसभा वाला एपिसोड किया उसके बाद ये भी कांग्रेस के 6 बागियों के साथ जब शामिल हो गए तो ये भी कानून की जद में आ गए। ठीक बोला है प्यार सिंह जी ने, अब कुछ FIR भी हो रही है, कोई इनके क्रशर पे रेड भी हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके जो गलत है उनको भी खंगाला जा रहा है, कई चीजें हो रही हैं इस तरह से। जी महाराज जी देखिए, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, ये जो इंडिपेंडेंट है ये पहले जो इलेक्शन से पहले कहां थे, ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए, इंडिपेंडेंट लड़े, इंडिपेंडेंट जीत गया, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का प्रेम जाग गया, ऐसे ही जाग गया ये प्यार एक साल के अंदर। आप समझिए इस बात को कि ये पूरा एक बड़ी योजना है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, जिस तरीके से ये पूंजी का और पैसे का प्रवाह हो रहा है पूरे देश के अंदर चुनावों में और सरकारों को चलाने में, सरकारों को उखाड़ने में, पलटने में, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कदम पड़ रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा हमें गंभीरता से। ये बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा हैं। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में था, खासतौर पर जो सामाजिक सरोकार हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार और दूसरे मसले, और यहाँ सरकारें जो हैं एक स्टेबल रूप में चलती थी, तो कुछ उस रूप में जो है हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से ये तीनों जो है दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं, ये क्यों इतने कंफर्टेबल हो गए एक साल में? ये तो वहां भी सरकार के साथ इसलिए जा रहे थे कि ये पैटर्न नहीं चाहते थे वहां भी कि हमारा जो कारोबार धंधा है वो उस तरीके से चले। मैं दावे से कहता हूं अगर इनके ऊपर छापेमारी हो, अगर प्रदेश सरकार जो इन पर कड़ा एक्शन ले, अब देखिए आप बिलासपुर का इलाका देखिए, हमीरपुर का, ऊना का इलाका देखिए, पूरे का पूरा ये जो रेत बजरी और दूसरा जो कारोबार है किसका साम्राज्य है, उस पर किसका दबदबा है, नालागढ़ और दूसरे इलाकों में किसका दबदबा है, ये एकाधिकार कैसे स्थापित हो गया, ये किस तरीके से इनको जो खुली छूट मिल गई, और पिस कौन रहा है, जनता, जनता जो है उसको कई गुना रेट पर, ज्यादा रेट पर जो है वो सारी चीजें सप्लाई की जा रही हैं जो निर्माण के काम में आती हैं, घर मकान बनाने के काम आती हैं, या इवन की जो देहरा के अंदर जिस तरीके से पूरा कारगुजारी चल रही है, तो ये तो कहना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? हमारे देश का संविधान जब बना, हमारे देश की आजादी के आंदोलन का प्रतिबिंबन है ना देश का संविधान, और आजादी के आंदोलन के समय में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फियर, यानी सिर ऊंचा खड़ा रहे और मेरा दिमाग जो है बिल्कुल जो है जो डर है उससे दूर हो। तो आपने कभी ऐसा सुना राजीव जी? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि उनको अधिकार था कि वो राज्यसभा में किसी को भी वोट देते, लेकिन आपने सुना ऐसा कि आप जो है CRPF के उसके प्रोटेक्शन में, CISF के प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में पूरे उठ के आ रहे हैं, वोट डाल के हेलीकॉप्टर के साथ चले जा रहे हैं? तो ये है वो अभिव्यक्ति की आजादी, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये डर का माहौल है, ये भय का माहौल है, ये दादागिरी है, ये तानाशाही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की एक साजिश है। ऐसा नहीं होता है राज्यसभा के इलेक्शन में कि कोई जो है पूरी प्रोटेक्शन में आए और पूरे उनके साथ जवान खड़े हों, वो तो कभी अभिव्यक्ति की आजादी हुई ही नहीं, वो तो एक डर का माहौल है, डर का वातावरण है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो तरह तरह के तर्क गढ़कर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रही है, ये जस्टिफाई नहीं हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हिमाचल प्रदेश जो है शिक्षा के आधार पर, साक्षरता के आधार पर भारतवर्ष में अग्रणी राज्यों में है, यहाँ लोग चीजों को समझते हैं, यहाँ लोग, आप देखिए फेसबुक के, एक दिन में देख रहा था एक किसी चैनल ने, एक अभी जो कांग्रेस से जो MLA जो अभी निष्कासित हुए हैं उनका एक पोस्ट जो उसको टैग कर दिया था, और जहां नीचे जो कमेंट आए, मैं एक भी कमेंट ऐसा नहीं ढूंढ पाया जो उनके पक्ष में हो कि उनका समर्थन किया हो जो MLA जो निष्कासित किया छोड़ के गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जनता चीजों को समझती है, जनता इनके साथ नहीं है, और ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी स्थापित ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि समय बदलता है, आज केंद्र में हो सकता है इनकी सरकार हो, इनका दबदबा हो, कल को चीजें बदलेंगी, तो क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर
उसी तरीके का वातावरण जैसा आज कांग्रेस के साथ बन रहा है, कल को भारतीय जनता पार्टी के साथ बनेगा, तो क्या वो अच्छा होगा? लोकतंत्र के अंदर पार्टियां और उनकी भूमिका और सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनका रोल जो है, इसको गहनता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये जो पूरा हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है, मैं इस बात को पहले भी कहता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े लंबे समय से, पिछले 15-20 साल से ये क्रम शुरू हुआ था, जहां राजनेताओं का, नौकरशाहों का और ठेकेदार या कारोबारी जो हैं, इनकी तिकड़ी गठजोड़ कर रही थी और लगातार गठजोड़ चल रहा था कुछ सालों से, लेकिन वो इस रूप में प्रतिबिंबित तो हो जाएगा जहां पर जो है सरेआम चुनावी बॉन्ड के जरिए, जहां जो है सरेआम जो खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए, ये हिमाचल प्रदेश के समाज के लिए, ये हिमाचल प्रदेश के वातावरण के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये एक गलत संदेश दे रहा है, क्योंकि एक पढ़े लिखे राज्य के अंदर अगर ऐसा ही घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर से लोकतंत्र के ऊपर से जनता का विश्वास उठेगा। जी प्यार जी, ये केएल ठाकुर आपके पहले टिकट दिया, आपने विधायक रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, आपने पिछली बार टिकट देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पिछली बार भी आपने लखविंदर सिंह राणा जो कांग्रेस के वहां पे एमएलए थे उनको आपने टिकट दिया, ठीक है। आपके हुशियार सिंह भाजपा के टिकट के लिए साथ रहे, बतौर निर्दलीय भी साथ रहे जयराम ठाकुर जी की सरकार के, टिकट की मांग करते रहे लेकिन आपने नहीं दिया, ये लोग फिर निर्दलीय उतरे। अब क्या अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि आप उनसे रिजाइन करा के आप टिकट देने जा रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पहले तो काबिल नहीं थे, वो आपके पैरामीटर में कहीं भी काबिल फिट नहीं बैठते थे, उनमें बहुत कमियां थी पहले, बहुत ज्यादा थी शायद, अब एकदम से उन्होंने 14 माह में वो कमियां दूर कैसे कर ली? नहीं, कमियां दूर करना एक अलग प्रश्न है, परिस्थितियों के मुताबिक और उस समय के जो हमारे सर्वे रहे होंगे या पार्टी के नेतृत्व ने जो सही समझा होगा, टिकट आवंटन उसी तरह से होता है। और ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, सभी को अधिकार है, मगर ये प्रदेश सरकार कहाँ ले जा रही है आगे को, कि क्या ये संभावना नहीं रखना चाहती कि कोई इंडिपेंडेंट लड़े? दूसरे भाई संदीप जी ने कहा कि एम्स बना, यूनिवर्सिटीज बनी, तो ये माननीय नड्डा जी के प्रयास हैं, इन्हें धन्यवाद करने के बजाय ये आक्षेप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक भी रोजगार ये सरकार दे नहीं सकी, और जो जो रोजगार दे रहे हैं उन पर इनको आपत्ति है, और ये प्रदेश की जनता देख रही है। भाई मेहरा जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, तो ये कौन सी परंपरा शुरू हो गई है प्रदेश में? अगर वोट माननीय हर्ष महाजन जी को मिला और एक घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी कार्रवाई, एक दिन के अंदर एक इतनी बड़ी कार्रवाई, माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मगर जिस त्वरित हॉल में उन्होंने कार्रवाई करी, तो ये परिस्थितियां आज इतनी खराब ना होती। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं के विधायक इनका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य सदस्य हैं। मगर जिस ढंग से यह सरकार पिछले 15 महीनों से चली है, जिस तरह से लोगों को जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है, वह निश्चित तौर पर, ये हम सब लोग यहाँ वाद विवाद कर रहे हैं, मगर इसका रिजल्ट 1 जून को आने वाला है, जनता के बीच में जाएंगे और फिर पता चलेगा कि कौन सही और कौन गलत। 1 लाख रोजगार की बात करने वाले, 300 यूनिट बिजली देने वाले, 1500 रुपए प्रत्येक महिला को, 4 महिलाओं को देने वाले, आज क्या किस भाषा में कहां खड़े हैं, ये चिंतन इनको भी करना चाहिए। जी संदीप जी, जल्दी दे दीजिए उत्तर, समय हो गया। सर मैंने यही बात करनी कि 1500 रुपए की बात इन्होंने बीच में कर दी। 1500 जब हमने दिया पहले तो कहते थे ये 1500 नहीं देते हैं, अब हमने 1500 दे दिया तो अचार वो उसमें कोटा पटक का हवाला देते हुए, और ये वहां पे वो लगे कि भाई भाई हिमाचल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए नहीं मिलना चाहिए। तो देखने वाली बात ये है कि ये जो चीजें कह रहे हैं, ये कहते हैं समय और परिस्थितियां में कुछ नहीं है। समय और परिस्थितियां इनके हिसाब से ये है कि जहां से पैसा बनता हो और जहां से दलाली मिलती हो और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को चलाओ, और ये एक लोकतंत्र में एक नई परंपरा घड़ी जा रही है। इसको बड़ा क्लियर शब्दों में जो है मेहरा जी ने भी क्लियर किया और मैं भी क्लियर करता हूँ कि जहां से पैसा आता है, साम दाम दंड भेद जहां से भी आता है, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन संवेदनशीलता की जो बातें हैं वो होनी नहीं चाहिए। पैसा इकट्ठा करो, कभी धर्म के नाम पे, कभी ठेकेदारी के नाम पे, कभी इस तरह से, और ये चीजें ठीक नहीं है। अगर चाहते हैं तो ये 25 विधायकों का रिजाइन करके बताएं।
तो फिर देखते हैं कि कौन किसकी सरकार आती है और कैसे सरकार बनना चाहिए। चलिए इतना ही कहना चाहूंगा, काफी क्लियर है। जी, आज हम चर्चा कर रहे थे कि तीन निर्दलीय विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, स्पीकर साहब ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो अगले ही रोज दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं, वहीं टेक्निकली तौर पे वो डिस्क्वालीफाई विधानसभा से हो जाते हैं, भले ही स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि उनके पास शिकायत आई है कि इन लोगों ने दबाव के चलते किया है। वहीं आज चर्चा से ये उभर कर आया कि ये तीनों लोग कारोबारी हैं, इनके इंटरेस्ट जो है वो अपने व्यवसायों को लेकर हैं और उसके चलते कोई ना कोई इनके ऊपर दबाव हो सकता है। वहीं पे मेहरा जी ने जिक्र किया दौलासिद प्रोजेक्ट का और भी एक प्रोजेक्ट का कि एक कंपनी आती है ऋत्विक कंपनी, वो भी बॉन्ड खरीदती है हिमाचल प्रदेश में और वो जो पैसा होता है उसका कहीं उपयोग हिमाचल प्रदेश की राजनीति को के माहौल को बढ़ाने में गिराने में आगे चलाने में तो उपयोग तो नहीं हुआ उस पैसे का, ये भी एक उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया। तो आज हम इसी विषय पे हमने चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।